नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन स्वागत करता हूँ आप सबका एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होने वाले मैच के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे पॉसिबल प्लेइंग 11, कुछ इंटरेस्टिंग स्टेट्स और ड्रीम टीम के बारे में, जिस कारण अगर आप कोई भी फैंटेसी गेम खेले तो उसमें भी आपको मदद मिले। तो जल्दी से पहले कर दीजिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और देखते रहिए इस वीडियो को पूरे अंत तक। तो दोस्तों, आईपीएल अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और अब बस कुछ ही मैचेस खेले जाने हैं, जिसमें से आज टक्कर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। और दोस्तों, इसको आसान भाषा में समझे तो आज का मैच क्वार्टर फाइनल है, यानी जो भी टीम जीतेगी वो पहुंचेगी सीधा सेमीफाइनल में और जो भी टीम हारेगी वो आज हो जाएगी बाहर। तो क्या होगा इस निर्णायक मैच में, वो तो आज रात पता चल ही जाएगा, लेकिन अभी करते हैं इस मैच का प्रीव्यू, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों वेन्यू और मैच टाइमिंग के बारे में। तो दोस्तों, ये मैच खेला जाएगा शारजा के शारजा क्रिकेट स्टेडियम में। और मैच टाइमिंग की बात करें तो लोकल टाइम के मुताबिक मैच शुरू होगा शाम 6 बजे से, यानी भारतीय समय के मुताबिक ये मैच शुरू होगा शाम 7:30 बजे से। अब बात करते हैं दोस्तों आंकड़ों के बारे में। तो शारजा में इस साल पहली इनिंग का एवरेज स्कोर रहा है 140 रनों के करीब, वही दूसरी इनिंग में एवरेज तकरीबन 130 रन्स बने हैं। और दोस्तों, मैच में एवरेज 13 विकेट्स गिरे हैं, जिसमें से तेज गेंदबाजों को मिले हैं 9 विकेट्स और स्पिनर्स को मिले हैं 4 विकेट्स। अब बात करते हैं टॉस के बारे में। तो दोस्तों, शारजा में अब तक इस फेज के कुल मिला के 8 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से 3 मैच पहले बैटिंग कर रही टीम ने जीते और 5 मैच पहले गेंदबाजी कर रही टीम ने। तो अगर इन आंकड़ों को देखा जाए तो जो भी टीम आज टॉस जीतेगी वो शायद पहले गेंदबाजी करना ही पसंद करेगी। अब बात करते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड मैचेस की। तो दोस्तों, दोनों ही टीम एक दूसरे के खिलाफ 30 मैचेस खेली है, जिसमें से बेंगलोर की टीम 14 और कोलकाता की टीम 16 मैचेस जीतने में कामयाब रही है। और बात यूएई की करें तो दोस्तों, दोनों ही टीम पिछले साल 2 मैचेस खेली थी, जिसमें से दोनों ही मैचों में बेंगलोर ने कोलकाता को हराया था। और आपको बता दें दोस्तों कि इसमें से एक मैच तो शारजा में ही खेला गया था। अब बात करते हैं दोस्तों बेंगलोर के पिछले साल शारजा में रहे प्रदर्शन के बारे में। तो दोस्तों, आरसीबी ने यहाँ 3 मैचेस खेले थे, जिसमें से एक में उसको जीत मिली थी तो वही 2 मुकाबलों में उसको हार मिली थी। वही बात कोलकाता की करे तो उसने भी दोस्तों पिछले साल यहाँ पे 3 मैचेस खेले थे, लेकिन केकेआर को तीनों ही मैचों में हार का सामना करना पड़ा था। तो दोस्तों, इन आंकड़ों को देखा जाए तो टक्कर दोनों टीमों में ही बराबरी की है। अब बात करते हैं दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं बेंगलोर की। तो विराट कोहली, देवदत्त पाडिकल, श्रीकर भारत, ग्लेन मैक्सवेल, एबीडी विलियर्स, डेनियल क्रिश्चियन और जॉर्ज गार्टन को आज दोस्तों रिप्लेस कर सकते हैं काइल जेमिंसन, फिर शाहबाज अहमद, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज और युजवेंद्र चहल। इस प्रकार की हो सकती है दोस्तों आज बेंगलोर की प्लेइंग 11। अब बात करते हैं दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो शुभमन गिल, वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा, राहुल त्रिपाठी, ओएन मॉर्गन, दिनेश कार्तिक और दोस्तों आज डेफिनेटली रसल की वापसी हो सकती है, फिर सुनील नारायण, लोकी फर्गीसन, शिवम मावी और वरुण चक्रवर्ती। इस प्रकार की हो सकती है दोस्तों आज कोलकाता की प्लेइंग 11। और अब अंत में बात करते हैं दोस्तों आज के मैच की ड्रीम टीम पर। तो दोस्तों, हमारे हिसाब से आज खेलने वाले 22 प्लेयरों में से इन 11 प्लेयरों का प्रदर्शन अच्छा रह सकता है, लेकिन इस पर आपका क्या मानना है तुरंत ही बता दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो जल्दी से इसे कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। तो बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।